सजा का मकसद सुधारना और हम सुधर गए हैं, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस के दोषी व्यक्ति ने। उसने ये कहा है कि सजा देने का मकसद होता है अपराधी को सुधारना और सजा मिलने के बाद हम सुधर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए व्यक्ति ने ये बात कही है। दोषी शख्स ने कोर्ट को ये बताया कि उसे दोष सिद्ध और सजा सुनाए जाते वक्त जुर्माना अदा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। वो जुर्माना भरना चाहता था लेकिन नहीं भर पाया। ऐसे में जुर्माने को उसकी सजा में रियायत के साथ जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। ये बात जुड़ी हुई है बिल्किस बानो जो गैंग रेप हुआ था उसके एक आरोपी के संबंध में, और इसी विषय पर हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अलर्ट टॉक्स। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहा होने वाले दोषियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हमारा जो कानून है वह सजा के जरिए अपराधी के सुधार पर जोर देता है, उसे और अन्य दोषियों को मिली समय पूर्व रिहाई इसी तथ्य के तहत हुई है, इसलिए गुजरात सरकार के कदम में कोई गलती या गड़बड़ नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि इसे जो इनको रिहा किया गया है इसके ऊपर 2 से 3 पिटीशन लगाई हुई है और उसी लिए ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं। दोषी शख्स ने कोर्ट को बताया कि उसे दोष सिद्धि और सजा सुनाए जाते वक्त जुर्माना अदा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। वो भरना चाहता था लेकिन भर नहीं पाया। ऐसे में जुर्माने को उसकी सजा में रियायत के साथ जोड़कर देखना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। दरअसल बिल्किस बानो मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों में से एक जसवंत भाई चतुर भाई नाई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने इसके जरिए 15 साल पहले उम्र कैद के साथ 34,000 रुपये जुर्माना अदा करने की इच्छा भी जताई है। आपको यहाँ बता दें कि 2008 में इन दोषियों को सजा हुई थी उम्र कैद की, जिसको कि गुजरात सरकार ने इनकी सजा को माफ़ करते हुए इनको रिहा कर दिया है और इसमें से एक आरोपी जो है वो कोर्ट में वकालत भी कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।